आइज़ वेलकम टू माई चैनल सो मै टेरो रीडिंग और इस समय की क्या करंट अनर्जीज़ है आपके पर्सन की टेरोकार्ड में देखेंगे सो so, क्या एनर्जीज़ है आपके पर्सन की आपके लिए जनरल रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है कभी भी मिल सकती है वैसे भी टाइमलेस रीडिंग है तो सिर्फ उसी को मिलेगी जिसकी अनर्जीज़ होगी तो so, क्या एनर्जीज़ है आपके पर्सन की वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं एंड क्या है टेरोकार्ड में क्या निकल कर आता है आज ओके ओके सो कार्ड्स मेरे पास आ रहे हैं आपके पर्सन के मैं राशि बता देती हूँ पहले उनकी तरफ से जो कार्ड्स आया हुआ है सिक्स ऑफ पैंटिकल्स का है एट ऑफ सोट्स है टू ऑफ पैंटिकल्स है सन का कार्ड है नाइन ऑफ पैंटिकल्स एंड नाइन ऑफ वैंट्स उनकी तरफ से जो अनर्जीज़ आ रही है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी इंतज़ार है आपके साथ दोबारा से रिलेशन का क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा आज इस समय पर पॉजिटिव भी आ रही है लेकिन मुझे कुछ वाइब्स ऐसी मिल रही हैं कुछ ऐसी वाइब्रेशन मुझे मिल रही है जैसे कि आपके पर्सन जो है वो काफ़ी हद हाँ तक मतलब किसी थर्ड पर्सन में है या कोई फैमिली है या फिर कोई तो थर्ड पार्टी है जिसके पूरे कहे में है आपके पर्सन आप देख रहे हो यहाँ पर एनर्जीज़ तो है मतलब अगर मैं आपकी सिर्फ आपके पर्सन की एनर्जीज़ को देखूँ तो आपके पर्सन की एनर्जीज़ को देख कर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो इस रिलेशन को नहीं तोड़ना चाहते हैं लेकिन आ, वो तो नहीं तोड़ना चाहते हैं और उनकी एनर्जीज भी आ रही है कि जैसे कि मतलब वो आज भी अगर आप आप उनसे बात करो या फिर आज भी अगर उनकी चले तो कहीं ना कहीं वो इस रिश्ते को दोबारा से रिस्टार्ट करेंगे मतलब क्योंकि उनकी तरफ से ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे मतलब वो इस रिलेशन को भूल जाना चाहते हैं या वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं लेकिन इन्वालमेंट जिसकी भी आ रही है जिसका भी इन्वॉलमेंट आ रहा है यहाँ पर आप देख रहे हो क्वीन ऑफ कप्स है तो कहीं ना कहीं इन्वॉलमेंट की वजह से या फिर ये जो क्यूनो कप्स बैठी हुई है इसकी एनर्जीज की वजह से उनकी जो एनर्जीज है उसमें चेंजेस दिख रहे होंगे आपको इस टाइम पर ठीक है नाइन ऑफ पेंटिकल्स है तो कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं ये भी मतलब एक सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं इनके एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग चुप चुप होंगे साइलेंस हो चुके हैं इनके एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है साइलेंस है और जो साइलेंस एनर्जीज़ आ रही है उसको देख ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत कुछ है इनके मन में चल रहा है ऊपर से बिल्कुल शांत होंगे आपको कोई मैसेज या किसी चीज़ का रिप्लाई नहीं मिल रहा होगा लेकिन अंदर बहुत कुछ उथल पुथल इनके मच रही है बहुत सारी चीज़ें जो है ना इनके अंदर चल रही हैं ये दिखाई दे रहा है एनर्जीज़ को देखकर कि काफ़ी कुछ काफ़ी कुछ अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं समझ भी रहे हैं एंड क्योंकि यहाँ पर जो बार बार मुझे जो एनर्जीज मिल रही है क्यों नहीं कब्स की मिल रही है और ये लग रहा है कि जैसे मतलब ये कोई डिसीज़न लेते हैं आपको लेकर या कुछ आ, सोचते कोई एक्शन लेते हैं तो कहीं कही ना कहीं जो ये इन्वॉलमेंट है जिसकी मान लीजिए कोई फैमिली है या कुछ किसी का भी इन्वॉलमेंट है वो सारी चीज़ें मतलब आगे इनको नहीं बढ़ने दे रही है बर्डन नज़र आ रहा है कुछ एनर्जीज में बर्डन नज़र आ रहा है बर्डन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है फोकस इनका है आपकी तरफ मैं देख रही हूँ कि फ़ोकस में अगर कोई कमी नहीं नज़र आ रही है फ़ोकस है इनका ठीक है फ़ोकस है इनका सोच आपकी तरफ रहे हैं और दिमाग भी इनका आपकी तरफ लग रहा है लेकिन आ, आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें इस समय पर ऐसी हो गई हैं क्योंकि देखो पहले जब भी कभी आपका ऑन ऑफ सिचुएशन या कुछ ऐसी चीज़ें होती थी तो इतना ज़्यादा वो नहीं था क्लियरिटी मिलती थी ट्रांसपेरेंसी मिलती थी दोनों को एक दूसरे के लिए बट अभी इस समय पर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दूर कर दिया है अपने से आ, ब्लेम बहुत ज़्यादा किए हैं आपके ऊपर और रीज़न यहाँ पर आ, फैमिली इशू या फिर कोई थर्ड पर्सन का इशू का ही रीज़न नजर आ रहा है ठीक है कुछ एनर्जीज मेरे को यहाँ पर नाइन ऑफ पेंटिकल्स में दिखा रही है जो कि इंतज़ार भी कर रही हैं नाइन ऑफ वेंट्स भी है तो आ, दोनों ही एनर्जीज आ रही हैं एनर्जीज यहाँ पर आ रही है जैसे कि मिस मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है मतलब आ, जो अनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनके दिमाग में आपको लेकर चल रही हैं गलत मान लीजिए कोई झगड़ा है या कोई ऐसी बात जो शायद आपने नहीं सोची हो इनके लिए नहीं कही हो या आपका वो मकसद नहीं था इनको हार्ट करने का या फिर इनसे दूर जाने का लाइक कुछ भी ऐसा वो चीज़ें इनके माइंड में आ गई है अब दूसरी चीज़ यहाँ पर मेरे को सन का कार्ड है तो आ, इनका जो पहले रिलेशन था आपके साथ बहुत पॉजिटिव रिलेशन था अभी भी जो एनर्जीज आ रही है पॉजिटिव वाली ही आ रही है फीलिंग्स में अभी भी आपको लेकर सोचते रहते हैं लेकिन आ, इन्होंने आपको हर्ट बहुत किया है जो मैं देख रही हूँ और इस चीज़ को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा टेंस में भी है इनका जो इन्वॉलमेंट है मतलब जो इनकी तरफ से जो थर्ड पर्सन दिख रहा है मुझे उसका मतलब उसका जो एनर्जीज आ रही है वो कहीं ना कहीं इनको मिसगाइड करना या फिर उसकी ही वजह से इनका प्लानिंग जो है वो चेंज हो गई है इनकी एनर्जीज चेंज हुई है बाकी अपनी अगर इनकी खुद की एनर्जीज देखूँ तो आपको लेकर बहुत ज़्यादा मतलब पहले भी आपने यही देखा होगा कि पहले भी आपको लेकर एनर्जीज बहुत अच्छी थी तो अभी भी लेकिन अभी मुझे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है आप दोनों के बीच में अभी चलिए ये देख लेते हैं कि जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है मुझे आप दोनों के बीच में या जो ये थर्ड पार्टी मुझे नज़र आ रही है आप दोनों के बीच में जनरल रीडिंग के बेस पर अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग कब तक दूर होगी और ये जो थर्ड पार्टी नज़र आ रही है इसके जाने के कोई चांसेस हैं कि नहीं वापस से आप लोग के बीच में कुछ अच्छी हैप्पी एनर्जीज या वापस से रियूनियन के चांसेस कितने है? इस चीज़ को देखेंगे आ, राशिया पहले बताना चाहूँगी एक्योरेस वर्गो कैप्रिकॉन टॉरस लिवरा स्कॉर्पियो जैमिनाई सजिटेरियस एरीज यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है आपकी राशि के उसमें आपके पर्सन की राशि में लेकिन कुछ मनर्जीज़ में, में तो मेरे को दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है उनका बैलेंसिंग दिख रहा है कि बैलेंस बना रहे हैं ये चाह रहे हैं बैलेंस बनाना मतलब जो पर्सन है वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं इन्वॉलमेंट की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं वास्तविक में कि वो आपको दूर किया हुआ है लेकिन आ, इनकी जो फीलिंग्स आ रही हैं इतने दिनों से जो कांटेक्ट नहीं हुआ है तो आ, बराबर आप ही की तरफ सोचते रहते हैं बैलेंसिंग यहाँ पर है ना टू ऑफ पैंटिकल्स तो बैलेंसिंग एनर्जीज बन रही है मतलब अपने मन में सोचते रहते हैं कि मतलब कैसे मैं आ, एफ़र्ट्स करूँ या कैसे मैं बैलेंस करूँ जो रिलेशन में एक न्यू अनर्जीज आई या फिर आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो समझो क्योंकि गलत फहमियाँ भी मुझे दिख रही हैं और गलत फहमियाँ ये आपस में जो हुई हैं ना वो खुद की बारी खुद की आप दोनों के बीच ही गलत फहमियाँ नहीं है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी किसी की वजह से आप दोनों लड़ गए हो या आप दोनों के बीच में किसी अदर पर्सन की वजह से बहस हो गई है आर्ग्यू हो गई है ये दिख रहा है तो अभी आ, मैं पहले तो ये देख लूँ कि आ, कुछ चीज़ें उसके बाद में और आ, बताने वाली हूँ आपको ओके okay. सोशल मीडिया के थ्रू आपका कनेक्शन हुआ है सोशल मीडिया के थ्रू आप मिले हो और आ, किसी वर्क प्लेस पर या फिर आ, ऐसा भी लग रहा होगा ऐसे भी एनर्जीज आ रही है कि आप बहुत मतलब आपकी जो जान पहचान है इनसे ये काफ़ी पुरानी नजर आ रही है बहुत पुरानी जान पहचान नजर आ रही है मतलब जैसे लाइक या तो चाइल्डहुड फ्रेंड हो गए आप जो काफ़ी दिनों से जानते हो ऐसा भी दिख रहा है आ, इन्होंने बहुत मतलब आपको बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से बहुत आ, टचिंग फीलिंग आ रही है ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक टाइम ऐसा था जो आपके बिना ये रहे नहीं एक मतलब एक टाइम भी नहीं रह पाते थे तुरंत आपको मैसेज और कॉल करते थे ये चीज़ मुझे इनकी तरफ से दिखाई दे रही है और आज आ, ऐसे हालात हो गए हैं कि बिल्कुल मतलब आ, चुप होकर बैठ गए हैं खुद खुद की लाइफ में भी बहुत डिस्टर्बेंस चल रहा है आई एम श्योर इनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं करियर की तरफ इफ़ेक्ट होगा इनका आ, खुद बहुत परेशान भी है और देखो पहले आपके साथ रहते थे तो, तो इनका हेल्थ वगैरह भी बहुत अच्छा था मेंटेन था सब कुछ थी क्योंकि दिमाग शायद सही रहता था अब अब जब से आपका रिलेशन या फिर आपसे दूरियाँ हुई है ना तब से इनको दिमाग की तौर पर बहुत स्ट्रेस रहने लगा है रात रात भर जागते रहते हैं और सिर्फ सोचते रहते हैं ओवर थिंकिंग करते रहते हैं और कोई भी कंक्लूज़न नहीं निकाल पाते हैं ये भी मैं बोलूँगी आपको क्योंकि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जितनी ओवर थिंकिंग ये करते हैं अगर इतना आ, सही ढंग से अगर ये सोचे तो कहीं ना कहीं कुछ कंक्लूज़न निकालेंगे लेकिन ये स्ट्रेस करते रहते हैं और कोई कंक्लूज़न इनको इनका शायद निकल इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि इनको सही से ढंग से या तो ये द, न, मतलब अपने दिमाग नहीं चला पा रहे हैं या फिर न, बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है ना कि दूरियाँ हो गई हैं आप दोनों के बीच में और वो आ, जैसे आप देख रहे हैं ना यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है ये जो पर्सन है ना इनकी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है कि मतलब इनको इस तरीके से गाइड कर दिया है इनकी पर्सन के ख़िलाफ़ इस तरीके से कि इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब एक तरफ तो इनको ऐसा लग रहा है कि मेरा मेरा अपना पर्सन है मेरा अपना पार्टनर है मेरा कोई भी रिलेशन हो सकता है आपका आप हस्बैंड वाइफ लव रिलेशन से बहुत डिफरेंस एडमिट कोई भी हो सकते हैं आपके कि मेरा अपना पर्सन है दूसरी तरफ इनके माइंड में क्या रहा है कि अरे मेरा पर्सन तो है लेकिन वो इस तरीके से उसने क्यों बिहेवियर किया ऐसा क्यों वैसा क्यों या फिर फैमिली की तरफ से इतना ज़्यादा बॉर्डन है कि आगे स्टेप लेने के लिए बार बार स्टेप लेते हैं देन फिर पीछे आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रही है ओवर थिंकिंग ओवर थिंकिंग और दूसरी चीज़ ये जैसा मैं देख रही हूँ ना कि इन्वालमेंट भी नज़र आ रही है तो कहीं ना कहीं करियर की तरफ़ जरूर फोकस नहीं कर पा रहे होंगे इनकी एनर्जीज देख कर लग रहा है करियर में पूरी तरीके से माइंड नहीं लग रहा होगा परेशान बहुत दिखाई दे रही तो अभी चलिए जो मैंने बोला था कि उस चीज़ को देखेंगे कि क्या ये थर्ड पर्सन या फिर जो भी इनका मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी चीज़ें इनकी आ, इससे ये बाहर निकलेंगे कि नहीं तो अभी देख लेते हैं राशियाँ मैंने बता ही दी हैं आपको ओके okay. ओके okay, देखो अनर्जीज़ यहाँ पर क्या आ रही है कि जो जैसे मैं देख रही हूँ कि बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे डेफिनेटली देखो अनर्जीज़ तो है यहाँ पर क्योंकि सक्सेस का कार्ड आया हुआ है और इनका जो फोकस है वो भी कहीं ना कहीं मतलब आपकी तरफ ही है पूरा फोकस आपकी तरफ है आ, बात नहीं हो रही है लेकिन दिमाग आपकी तरफ चल रहा है ठीक है मतलब दिमाग में शांति नहीं है आपको लेकर बहुत ज़्यादा उलझने बढ़ती जा रही हैं इनको क्योंकि इनको आपको अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं करना है देखो क्या होता है ना कि अगर हम किसी को दूर करना चाहते हैं तो फिर हम उसको एक मिनट में दूर कर देते हैं लेकिन उसके बारे में सोचते नहीं हैं लेकिन अगर दूरियां हैं और दूरियों के बाद भी हमारा दिमाग सिर्फ उसी के बारे में सोच रहा है तो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं उसे अपनी लाइफ में तो आपके पर्सन की जो अनर्जीज़ आ रही है वो यहाँ पर यही आ रही है कि वो भले ही आप लोगों में दूरियाँ हैं लेकिन ये दूरियाँ नहीं चाहते हैं देखो यहाँ पर फीलिंग एलोन की अनर्जीज आ रही है जो कार्ड में अनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर यही देख रही हूँ फीलिंग एलोन मतलब बात नहीं हो रही है आप लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हो अपनी पूरी तरीके से नहीं शेयर कर पा रहे हो और जो आपकी प्लानिंग थी आगे फ्यूचर को लेकर अपनी लाइफ में कि हम साथ रहेंगे है ना रिलेशन चाहे कोई भी हो तो वो चीज़ें नहीं हो पा रही अब काफ़ी टाइम से स्ट्रेस भी है और दूसरी चीज़ मैं इनकी लाइफ में देख रही हूँ कि इनकी लाइफ में ज़रूर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसकी वजह से ये काफ़ी बंदिश महसूस करते हैं मतलब खुल के बोल नहीं पाते हैं खुल के बात नहीं कर पाते हैं ख़ुद की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी दिख रही हैं तो देखो आ, अभी की जो एनर्जीज आ रही है उसमें ज़्यादातर मेरे को यहाँ पर सैडनेस ही दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज को देख कि सैड है बहुत सैड है और जब इतना ज़्यादा सैड होंगे तो फिर कैसे सैड होना या फिर बहुत ज़्यादा मतलब झुंझलाहट होती है ना गुस्सा एकदम से फर्स्ट्रेट हो जाना कोई भी कॉन्क्लूज़न ना निकाल पाना और जब मान लीजिए अगर आपकी बात हो रही है आप <coughs> कभी कभार भी बात करते हैं तो हमेशा मतलब इनका जो रिएक्शन होगा आपको लेकर वो बहुत ही मतलब ऐसा होगा यस या नो आंसर में यस या नो या बहुत ही लिमिटेड आंसर या फिर गुस्सा या फिर गुस्सा क्योंकि क्या हो रहा है लेकिन माइंड फर्स्ट्रेड हो रहा है बहुत ज़्यादा निकल नहीं पा रही है कुछ चीज़ें दिमाग से नहीं निकल पा रही है और कोई कंक्लूजन नहीं निकल पा रही ये चाहते हैं अपनी लाइफ में हैप्पीनेस ठीक है और वो हैप्पीनेस में कहीं ना कहीं जैसे मैं देख रही हूँ कि बर्डन भी दिख रहा है और कुछ जगह मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है और यहाँ पर जो कार्ड्स है उसके अकॉर्डिंग इन्वॉलमेंट भी किसी की होगी जो पूरी तरीके से मतलब ब्रेन ही वॉश हो चुका है समझ ही नहीं आ रहा क्या करें इस रिलेशन को मैं कैसे अपने बचाऊँ तब तो ये नहीं उलझने बहुत चल रही हैं इनके माइंड में भी काफ़ी हद तक इनके माइंड में उलझन चल रही है लेकिन अगर आप ये पूछते हो कि ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी कि नहीं होंगी हम फिर से एक होंगे कि नहीं होंगे तो मेरे पास इसके लिए सिर्फ एक ही कार्ड निकल कर आया है और वो यहाँ पर कार्ड निकल कर आया है बिलीव एंड सक्सेस और आप देख रहे हो इस कार्ड को और एनर्जीज यहाँ पर जो मुझे मिल रही है एंजल्स एंजल्स कार्ड है ये एंड जो मुझे एनर्जीज मिल रही है उस एनर्जीज के अकॉर्डिंग तो देखो मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली ये आपसे जुड़कर रहेंगे इनकी और आपके बीच में दूरियाँ जो है वो है दिख रही हैं लेकिन ये दूरियाँ जो हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म होंगी क्योंकि आपके पर्सन अपनी लाइफ में आपके बिना खुश नहीं है और आगे फ्यूचर की प्लानिंग ये आपके बिना नहीं कर सकते ये चीज़ मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगी क्योंकि अगर ये फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं और तो आप ही इनका साथ दो या फिर ये चीज़ें जो इस समय डिस्टर्ब कर रही हैं आप दोनों के रिलेशन को वो चीज़ें नहीं चाहते हैं ये जैसे कि आ, किसी की इन्वॉलमेंट या कुछ ऐसी बातें जो शायद आपकी तरफ से क्लियर नहीं है आप लोगों के बीच में अब आर्ग्यू हो रही है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले आप लोगों के बीच में सिर्फ लव होता था रिलेशन होता था, था क्यूट अच्छा सा रिलेशन अभी क्या हो रहा है कि अभी बात कम झगड़ा ज्यादा होता होगा क्योंकि जहाँ तक मैं देख रही हूँ उसके अकॉर्डिंग तो मुझे यही दिखाई दे रहा है इससे क्या हो रहा है ना कि अकेलापन आता जा रहा है मतलब धीरे 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 वो चीज़ें खत्म होती जा रही हैं मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब लाइफ में क्या है अकेलापन अकेलापन फीलिंग अलोन तो ये चीज़ें ये सोच रहे हैं लेकिन एनर्जीज यहाँ पर क्या कह रही है मतलब कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो कही न कहीं ना कहीं सॉल्व होंगी और इनको भी एहसास होगा अपनी गलती का कि इन्होंने इनकी तरफ से भी मिस्टेक्स हुई हैं या फिर ये भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन्होंने गलत समझी आपको गलत समझा ये सारी चीज़ों का भी रिलाइज़ इनको होगा ये चीज़ आप समझ लीजिए क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज है बिलीव एंड सक्सेस की और ये जो कार्ड्स हैं वो इस चीज़ के बारे में बता रहा है तो चलिए कुछ मैसेजेस ले, ले लेते हैं इनकी तरफ से कि ये एक्चुअल में क्या चाहते हैं क्या फील करते हैं और दिल में है क्या इनके कुछ मैसेज ले लेते हैं इनकी तरफ से वन मैसेज ही लेंगे ठीक है so, सो चलिए मैं एक मैसेज ले लेती हूँ उनकी तरफ से ओके okay. बिल्कुल और ये चीज़ तो मैं आपसे जस्ट अभी कह भी रही थी और मैसेज भी वही निकल कर आया है सेम कि आई एम फीलिंग इनकम्प्लीट विदाउट यू So, यही मैसेज जो है वो मैं तब से इतनी देर से आपसे यही बोल रही थी क्योंकि इनको एहसास हो चुका है एहसास हो चुका है इनको क्योंकि अब इनकी जो लाइफ है ना डियर गाइस इस समय जो लाइफ है ना इनकी वो लाइफ में प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं वो लाइफ में वो सुकून नहीं है जो सुकून आपके सा, 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 साथ था इनकी लाइफ में इनकी ज़िंदगी में वो सुकून नहीं है अब इनकी लाइफ भी चेंज हो गई है और ये जो लिख रहे हैं अपने इनका जो मैसेज आए हैं मतलब इनकी जो दिल की आवाज़ है जो इनर वॉइस निकल कर आ रही है कि आई एम फीलिंग इनकम्प्लीट डेफिनेटली इनकम्प्लीट तो होंगे जब आप किसी अच्छे इंसान का या किसी अच्छे पर्सन का साथ छोड़ोगे ठीक है या कुछ ऐसे लोगों की इन्वॉलमेंट की वजह से उनकी बात मानोगे तो फिर आप फिर वही है ना कर्मा तो लौट कर आता है तो आज ये जो एनर्जीज आ रही है इनकी तो डेफिनेटली अलोन तो होंगे ही ना आपके पर्सन तो फीलिंग एलोन हो रहे हैं विदाउट यू और ये लिख भी रहे हैं उनकी दिल की फीलिंग्स भी आई है कि कहीं ना कहीं परेशान है वो खुशियाँ नहीं हैं जो खुशियाँ आपके साथ थी इनकी ज़िंदगी में तो वो खुशियों के लिए तो कहीं ना कहीं जब इंसान की ज़िंदगी में कोई चीज़ जो चीज़ अच्छी मिलती है ना भागते तो हम उसी की तरफ है ना तो आपके साथ रह कर ही अपनी लाइफ में हंसी खुशी मिलती थी एक सक्सेस मिलती थी एक हैप्पीनेस मिलती थी आपका साथ मिलता था कितना कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आ, मतलब इनकी आधी से ज़्यादा टेंशन आप ले लेते थे दोनों मिलकर सॉल्व करते थे तो वो चीज़ आपके पर्सन आज चाहते हैं आपसे तो यहाँ पर फीलिंग्स है कि कहीं ना कहीं ये लौटेंगे आपकी लाइफ में क्योंकि ये चाहते हैं तो मैरिज का रिलेशन हो लव लाइफ का हो बहुत डिफरेंस है अन मैरिड आई डोंट नो कोई भी रिलेशन हो सकता है फ्रेंड्स का हो सकता है बट इनकी फीलिंग्स में आपके लिए लव है और एनर्जीज़ यहाँ पर यही कह रही है कि आप दोनों जो हो एक दूसरे के साथ के बिना अधूरे हो तो कहीं ना कहीं कंप्लीट होगे गए ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है सो आई होप सो कनेक्ट की होगी एंड इसके बाद भी अगर आपको पर्सनली अपना एडवाइस कराना है तो आप एडवाइस ले सकते हैं रीडिंग करवा सकते हैं नंबर मेरा सिर्फ मेरे वीडियो पर मिलेगा और कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग नंबर दे देते हैं उन नंबरों से बचें सावधान रहें एंड टेक केयर बाय बाय